हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है, वहीं इस वायरस के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि लॉकडाउन की मियाद और 19 दिनों के लिए बढ़ाई जा रही है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पीएम ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन 2.0 को कामयाब बनाने और कोरोना को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 वचन मांगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये 7 वचन कितने कारगर साबित होंगे और कोरोना से लड़ाई में कितना फायदा होगा, क्योंकि कुछ इस तरह की मांग पीएम मोदी ने लॉकडाउन पार्ट 1 में भी की थी। लेकिन पहली मियाद में कोरोना के केस 18 गुना बढ़ गए हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए और लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 वचन मांगे हैं। आइए पहले जानते हैं कि ये 7 वचन क्या है। पीएम ने कहा है कि अपने घर में बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुराने बीमारी हो उनका हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है। दूसरा है देश में कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों का सम्मान करें। उन्होंने कहा है कि जितना हो सके उतना गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकताएं पूरी करें। चौथा, वो उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की भी लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने फेस कवर या मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। पांचवा, अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। छठवा, वो कहते हैं कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। सातवां, पीएम मोदी कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, गर्म पानी, काढ़ा, इनका निरंतर सेवन करते रहें। लॉकडाउन की पहली मियाद में कोरोना की चेन तोड़ने में देश को काफी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन 20 दिनों में मरीजों की तादाद करीब 18 गुना बढ़ रही है और मौतें 61 गुना हो चुकी है। 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब देश में कोरोना ने पांव पसारना बस शुरू ही किया था। 24 मार्च को देश में कोरोना के केवल 519 केस थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई थी, जबकि केरल के 3 लोग ठीक हो गए थे। 20 दिन बाद 13 अप्रैल तक देश भर में कोरोना के 9,352 कुल कंफर्म केस हो गए हैं। इनमें से 324 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 980 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ने लॉकडाउन के ऐलान के 20 दिनों के भीतर कोरोना मरीजों की तादाद 18 गुना बढ़ गई है, कि मरने वाले संक्रमित लोगों की तादाद 61 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले ये रफ्तार बहुत कम है। पीएम ने अपने भाषण में खुद इस बात का जिक्र किया है कि हम दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए इसका एकमात्र विकल्प है घर में रहे और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। अब देखना यह है कि लॉकडाउन 2.0 की मियाद में फायदा होता है या फिर कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार कोरोना वायरस फैल रहा है, यकीनन सरकार और जनता की चिंता बढ़ रही है। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए पालनों का निर्देश करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी इस बीमारी की गंभीरता बताएं, घर में रहने के लिए कहें और सुरक्षित रहने के लिए कहें। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, उसी से हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे।